वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस हेल्थ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में कि हम अपने लीवर को नेचुरली कैसे अच्छे से एक हेल्थी लीवर रख सकते हैं बिना किसी बाहर के केमिकल चीज़ों का यूज़ किए। घर में जो हमारी चीज़ें हैं उनका हम यूज़ करेंगे और अपने लीवर को बहुत अच्छा रखेंगे, हेल्थी रखेंगे, क्योंकि बॉडी का एक भी ऑर्गन खराब हुआ बॉडी हमारी डिसबैलेंस हो जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और बॉडी बिल्कुल हैप्पी फील नहीं करती है। तो हमें किसी भी ऑर्गन को हैप्पी रखना है, हेल्थ रखना है, हेल्थी रखना है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, हेल्थ नहीं अच्छी है तो कुछ भी नहीं अच्छा रहेगा। उसी तरीके से बॉडी का एक भी ऑर्गन खराब हुआ तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। अगर बॉडी के सारे ऑर्गन हेल्थी हैप्पी रहेंगे तो हमारी बॉडी भी हैप्पी रहेगी, हम भी खुश रहेंगे, हम ये सब खुश रहेंगे। तो हम अपने लीवर को नेचुरली कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, मींस कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे लीवर की जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको अगर हमारा लीवर खराब हो रहा है या फिर खराब हो सकता है या फिर खराब ना हो, उसको हम कैसे हेल्दी रखेंगे। सबसे पहला है टर्मरिक, हल्दी। किसका यूज़ करेंगे हम? हल्दी। हल्दी करता क्या है? एंटी इंफ्लामेटरी की तरह एक्ट करता है, मतलब कहीं भी इंफ्लामेशन है हल्दी उसे ठीक कर देता है। नेक्स्ट इज पेन रिलीफ, अगर हमें कहीं भी दर्द हो रहा है उससे रिलीफ देता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी वजह से हल्दी के अंदर इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, इतना ज़्यादा ये फायदा करता है। पहले जब भी कभी वर्ल्ड वॉर होता था या कहीं भी लड़ाई होती थी तो उसमें होता क्या था, लोग डैमेज हो जाते थे, ना तो उतने डॉक्टर थे, ना तो अलग अलग प्रकार की क्या थी, मेडिसिन थी, तो उसी मेडिसिन में लोगों का क्या कर रहता था, इलाज किया जाता था। तो इलाज किया जा रहा है तो वो हल्दी से ही किया जाता था, हल्दी प्याज को जहाँ भी घाव हुआ है वहाँ पे लगा दिया जाता था, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता था। तो सोचो कितना फायदा था। आज भी बहुत लोग हैं जो कि हल्दी के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हल्दी अच्छा है, कभी भी चोट लगती है, कहीं भी जो है हल्का सा मोच आ गया कुछ भी, तो वो हल्दी लगा देते हैं, उससे क्या होता है ठीक हो जाता है, साथ साथ में वहाँ पे मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर खून हमारा मतलब ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून जमेगा नहीं, और जब हल्दी लगा लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का फास्ट होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो अगर आपको पेन हो रहा है कहीं भी, हल्दी का यूज़ करिए। हल्दी यूज़ कैसे करना है, आप खाने में यूज़ करिए, मैक्सिमम जो भी खाना बनाते हैं उसमें कोशिश करिए हर खाने में हल्दी डालिए, सब्जी में भी हल्दी डाल लीजिए और दाल में तो हल्दी डालते ही, बहुत लोग होते हैं बहुत सी सब्जियां होती है उसमें हल्दी अवॉइड कर देते हैं, हल्दी डाल के खाना चाहिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए खाइए। बट अगर आपको ऐसे नहीं खाना है, ऐसे भी खा रहे हैं, ऐसे भी हल्दी की मतलब पूरी बॉडी में जो है नहीं हो पा रहा बॉडी में, तो बट एक तरीका और है हल्दी खाने का, हल्दी यूज़ करने का, आप मॉर्निंग के टाइम जितना पानी आप एक ग्लास या हाफ एन ग्लास वाटर पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, तो उसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल लीजिए और उसे थोड़ा सा बॉईल करने के बाद हल्का सा उसे रख दीजिए, ठंडा हो जाए देन आप उसका यूज़ कर लीजिए। ये भी एक बेस्ट तरीका हल्दी यूज़ करने का। इससे देखिए आपका लीवर कैसे डिटॉक्स होता है, बिल्कुल साफ हो जाएगा और लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ भी है, स्वेलिंग हुई भी है, तो एक दो महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाए, लिख के रख लीजिए, हल्दी इतना फायदा करता है, एक दिन भी गैप नहीं करना है, डेली यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है जैसे मैंने बताया। देखिए फिर आप अगर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है विद इन वनली टू मंथ, दो महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज आंवला। सबको पता है क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। डेली एक आंवला खाइए, इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बॉडी को ये भी डिटॉक्सीफाई करेगा, लीवर को डिटॉक्स कर देगा, साफ कर देगा एकदम, कोई भी इन्फेक्शन है भी लीवर में तो वो भी साफ हो जाएगा, कोई भी स्वेलिंग है, इनफैक्ट इन्फ्लामेशन है, वो सब भी बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। तो डेली एक आंवला खाइए, देखिए आप कितने हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट इज करेला। करेला नाम सुनते ही अरे ये छी करेला कितना कड़वा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे अच्छा लगेगा ना, उसकी टेस्टी से सब्जी बना लीजिए, ऐसी सब्जी बना लीजिए जो खाने में अच्छी लगे। अरे छोटा वाला करेला लेके आइए, देखिए वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। और खाने बहुत लोग होते हैं 10% लोग करेला का जूस पीते हैं, 90% लोग करेले को अवॉइड करते हैं। तो करेले का जूस हो सके तो करेले का जूस पी लीजिए, अरे उससे टेस्टी आप बना सकते हैं। करेले का जूस बनाइए, उसमें हल्का सा काला नमक डाल लीजिए, जीरा डाल लीजिए, देखिए कितना टेस्टी लगता है। इतना ही पीजिए, हाफ ग्लास डेली, देखिए आपका लीवर कैसे डिटॉक्स होता है, तब साफ हो जाएगा। लीवर में इन्फ्लेमेशन भी रहेगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करेला के अंदर पोटेशियम होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है और कैल्शियम प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेगा, लीवर को डिटॉक्स कर देगा। नेक्स्ट इज गार्लिक। दिन में कम से कम 2 से 3 गार्लिक की कली खाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट। क्या क्या होता है, फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कैरोटीन होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ गार्लिक में होती है, लहसुन में। बहुत लोग होते हैं लहसुन में अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता तो आप लीजिए उसका मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, उसको थोड़ा देर गर्म कर लीजिए, उसमें 2-3 लहसुन की कली डाल लीजिए, उसको हल्का सा से चलाइए, उसके बाद वो थोड़ा सा लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, उसे खा लीजिए, देखिए वो ऐसे अच्छा लगेगा। बट वैसे ना खाने से बेस्ट है, वैसे अगर नहीं खाना है आपको तो आप एक तरीके से और खा सकते हैं, ऐसे ही खा लीजिए, 1 से 2 खाइए, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज अगर आपको चाय बहुत अच्छी लगती है, चाय की एडिक्शन, चाय छोड़ नहीं सकते, तो आप ग्रीन टी का यूज़ करिए। और किसी टी का मतलब कोई भी फायदा नहीं होगा, आप ग्रीन टी का यूज़ करिए अगर आपको बहुत मन है चाय पीने का। वैसे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो हम अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं नेचुरली, क्या क्या यूज़ करके, टर्मरिक, आंवला, करेला, गार्लिक एंड ग्रीन टी, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, इन 5 चीज़ का यूज़ करके हम अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर बहुत हेल्दी रहेगा, हैप्पी फील करेगा, और जब हैप्पी वो फील करेगा तो हैप्पी रिजल्ट भी देगा हमारी बॉडी को। तो हमें अगर हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, एक ऐसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, एक ऐसी रूटीन को फॉलो करना है जो कि जिसमें हम हमेशा हैप्पी रहें और हमारी बॉडी भी हैप्पी फील करें, तो हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि हम अपने लीवर को बाई द हेल्प ऑफ नेचुरली जो घर में हमारी चीज़ें हैं उनसे हम कैसे उसको हेल्थी रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।